बदहाली की खबरें पड़ी होंगी, लेकिन अगर आप इस स्कूल को देखेंगे तो आपकी सरकारी स्कूलों के लिए बनी धारणा बदल जाएगी। करनाल में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो शहर के बड़े से बड़े निजी स्कूलों को मात दे रहा है। सरकारी स्कूल के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपके जहन में कैसी तस्वीर आएगी? टूटे बेंच, कच्ची छत, गंदी दीवारें, बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो बच्चे नहीं, पीने का पानी नहीं, पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं और सुविधाओं का भारी अभाव। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हैरानी की बात नहीं है, लेकिन करनाल के इस स्कूल को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आपको मस्ती की पाठशाला के बारे में बता रहे हैं, जहाँ बच्चों को तनाव मुक्त शिक्षा दी जाती है, न केवल किताबी ज्ञान बल्कि अपनी संस्कृति के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। संस्कृत भाषा से लेकर अंग्रेजी भाषा तक बोलने में बच्चे माहिर हैं। श्लोक पढ़ने बोलने के साथ हवन तक करना यह के बच्चों को आता है और यहाँ किताबी ज्ञान बच्चों की खेलों के माध्यम से पुराने खेल खिलाकर दिया जाता है। इस स्कूल में कई छात्र ऐसे हैं जो एक समय में दोनों हाथों से बराबर लिखते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर भी बिना गलती किए पूरी लाइन लिख लेते हैं। बच्चों को कई देशों की राजधानियां, देशों के नाम, लोकसभा राज्यसभा की सीटें याद है। यकीनन इस सरकारी स्कूल की तस्वीर को बदलने का क्रेडिट भी यहाँ के अध्यापकों को ही जाती है। What is the full? लगातार सवा 5 घंटे तक गीत व मंत्र गा सकते हैं। लग रहा है हमें बिना बोरियत के यहाँ पे मस्ती मस्ती में पढ़ते हैं और हम यहाँ हमारे पास एक प्रतिभा है कि हम दोनों हाथों से लिख सकते हैं। देसी गेमों में शिक्षा को डाला है, हम सूर्य नमस्कार करें तो उसमें आप जनवरी फरवरी याद करा सकते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 ही क्रियाएं सूर्य नमस्कार में होती हैं। तो उसके बाद आप कबड्डी खिला रहे हैं तो बच्चों के नाम आप नदियों के नाम से टेक दीजिए, रख दीजिए, तो उससे बच्चे नदियों के नाम याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत मजे में, यानी एक मस्ती की पाठशाला कैसे होती है ये किया गया है। बच्चे दोनों हाथों से लिखना जानते हैं, यहाँ पर अनेक प्रतिभाएं विकसित हुई हैं। इन अध्यापकों के काम की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। ये अध्यापक प्रदेश के सभी स्कूल अध्यापकों के लिए उदाहरण है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए